अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम रिव्यू लेके आए गिरी कंपनी के सबसे लेटेस्ट मॉडल का, जो कि रिसेंटली आया और व्हाइट कलर में आता है ये मॉडल। और आप देख सकते हैं कर्व बॉडी में आता है। नंबर की बात करना है तो व्यूवर आप देख सकते हैं इसका जो मॉडल है 18FITH5 है, ये 5 सीरीज है और इसको 10 जनरेशन भी कहा जाता है। ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है और हमेशा की तरह हमारी वीडियो बनाने का मकसद किसी भी प्रोडक्ट की तारीफ करना नहीं होता, बल्कि इसकी खूबियाँ और खामियाँ आपके पास लाना होता है ताकि आपको परचेजिंग में आसानी हो सके। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बॉडी की, तो आप देख सकते हैं ये वाली जो बॉडी है व्हाइट कलर में है और ये एक्रेलिक शीट में आती है, जिससे फायदा ये था कि जो व्हाइट कलर है वो वक्त के साथ अपना कलर चेंज कर लेता है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो एज इट इज रहेगी। उसके बाद आप इसके बॉटम पे देख सकते हैं आपको एक बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन मिल जाता है। इसकी फ्लिप की बात कर लेते तो सिंगल फ्लिप ये हमें मिल जाता है, जैसे जो इसकी ब्लोर थ्रो है वो काफ़ी बेहतर होने वाली है। इसके अलावा इसकी फोर वे कूलिंग मिल जाती है, राइट एंड लेफ्ट अप एंड डाउन, जिससे रिमोट से आसानी आप सेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी इनसाइड की, इसकी इनसाइड की बात कर लेते हैं आप देख सकते हैं इसमें हमें प्लास्टिक के फिल्टर मिल जाते हैं और 3 जो हैं एयर क्लीनर इसके फिल्टर मिल जाते हैं। कंपनी दावा करती है कि एयर क्लीन करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक कंपनी का दावा है। ये आपको दोनों साइड पे मिलते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड पे, जबकि जो लेफ्ट साइड वाला इसका जो फिल्टर है एयर क्लीनर उसके बॉक्स में पड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं वाइपटर की, तो इसका आप गोल्डन कलर का वाइपटर मिल जाता है, आप देख सकते हैं। जैसे फायदा यह होता है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर अपनी लिक्विड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से करता है और इसके अलावा गैस भी लीक नहीं होती। इसके अलावा तमाम एसियों की तरह इसमें आपको ऑटो सेल्फ क्लीन का फीचर मिल जाता है। करना आपने यह है कि इसके रिमोट पे एक बटन आता है, उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो उसके इंडोर वाइपटर पे बर्फ़ फ्रीजर होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वो बर्फ़ मेल्ट होगी तो आपका जो इंडोर वाइपटर है वो बिल्कुल ऑटो नीट एंड क्लीन होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी LED की, तो LED आप देख सकते हैं जो कि राइट साइड पर आती है और हिडन में आती है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आपको इरिटेट करती है इस जगह पर ये शो होगी। और वाइट बात कर लेते हैं इसकी राइट साइड की, तो आप देख सकते हैं इसमें 410 गैस मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी फास्ट वर्किंग करती है। इसके अलावा 43 dB इसका साउंड लेवल है, जो कि आम एसीओ से काफ़ी ज़्यादा है। और एज यूजल गिरी कंपनी में आपको स्टार्टिंग अम्पेयर नहीं बताए जाते, ना इसका SWR बताया जाता है। इसका जो SWR है वो 3.0 है, उस हिसाब से जिसकी अम्पेयर एवरेज बनती है, जिसकी अम्पेयर एवरेज बनती है वो 4.5 बनती है, जो कि आम एसी से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा इसकी एक्सेसरीज की बात कर लें, तो इसके साथ आपको एक अदद वॉल ब्रैकेट मिल जाती है, जिससे जो इंडोर है वो आसानी आप हैंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको इसमें एक अदद रिमोट मिल जाता है, इसके अलावा मैनुअल गाइड बुक मिल जाती है। इसकी पाइप की बात कर लें, तो 10 फिट इसमें पाइप आता है, जो कि 100% सिल्वर में आता है। क्या है ना, अगर आप किसी भी कंपनी में लेते हैं उसमें जो पाइप आता है वो आपको कॉपर में मिलता है। पाइप की बात कर लें, तो 10 फिट इसमें पाइप आता है। इसके अलावा एम्पेयर एवरेज की बात कर लें, तो 4.5। इसके अलावा इसमें अब आपको ऑटो सेल्फ क्लीन का फीचर मिल जाता है। और इसकी सेविंग की बात कर लें, तो 60% ये सेविंग है, जिसमें आसान अल्फाज में मतलब ये बनता है कि अगर आपका घर का बिल 10,000 रुपये आ रहा है आम एसी का, तो इसमें जो महाना बिल है वो आपको 4,000 रुपये आएगा। इसके अलावा इसमें आपको स्लीप मोड का ऑप्शन मिल जाता है, टर्बो का मोड ऑप्शन मिल जाता है, इसके अलावा 5-speed ऑप्शन मिल जाता है, जिसे मोड से आसानी आप सेट कर सकते हैं। इसकी आउटडोर की बात कर लें, तो इसका जो आउटडोर है वो भी काफ़ी बड़ा है इसके साइज़ के मुताबिक। इसकी आउटडोर की बात कर लें, तो इसकी इंडोर की तरह इसका आउटडोर भी काफ़ी बड़ा है और 7mm के लेयर के साथ मिल जाता है। और इसके अलावा इसमें कंप्रेसर की बात कर लें, तो T1 कंप्रेसर आता है, जो कि आउटसाइड टेम्परेचर 53°C हो तब भी बहुत अच्छा काम करता है। अलावा ए सी आपको ऑटो रिवर्सेबल ए सी मिल जाता है, या उसको आप बतौर हीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं घर में, ऑफिस में, जहाँ आप चाहें, लेकिन ये आपके उतने ही हम पे लेगा जितने कूलिंग में ले रहा है 4.5। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की, तो अब जब तक ये वीडियो बन रही है इसकी जो मार्केट में कीमत है, तो अभी फिर इसमें आपको लो वोल्टेज भी मिल जाता है, यानी कि जो स्टेबलाइजर है उसमें बिल्ट इन आता है, इसमें आपको स्टेबलाइजर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके घर के 150 या इसे कम वोल्ट आ रहे हैं ये तब भी काम करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एम्पेयर एवरेज की बात करें, तो एम्पेयर एवरेज की 4.5 है। उसके अलावा बॉडी की बात करें, तो उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी अच्छी शीट में लगाई गई है, जिससे जो उसका कलर है वो चेंज नहीं होगा। इसके अलावा बॉटम पर बहुत अच्छा इसमें आपको डिज़ाइन मिल जाता है। ब्लोर स्पीड की बात करें, तो ब्लोर स्पीड इसमें 5 आती है, जिससे मोड से आसानी एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छा फीचर इसमें टर्बो मोड का है, जिससे जो उसकी एम्पेयर एवरेज है वो अपनी मर्जी से मैनेज करेगा, लेकिन 4.5 से ये कम नहीं जाएगा। कीमत की बात कर लें, तो अब तक जो वीडियो बन रही है इसकी जो मार्केट में कीमत है वो 145 है, जो कि काफ़ी रीजनेबल कीमत है। और तमाम एसीओ की जो कीमतें हैं वो एक्सटेंड हो चुकी हैं। उसके अलावा इसमें आपको वाईफाई मिल जाती है, करना आपने ये है कि आपके घर में जो राउटर उससे कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपने प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी है, जो कि गिरी के नाम से होगी, और उसके बाद आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं आपका जो एसी कब ऑन हुआ था और कितने एम्पीयर ले रहा है। इसके अलावा इसकी इंडोर वाइपटर की बात कर लें, तो वो भी कॉपर में आता है, और आउटडोर की बात कर लें तो वो भी कॉपर में आता है। एम्पेयर एवरेज की बात कर लें, तो इसकी जो एम्पेयर एवरेज है वो 4.5 है, जो कि आम एसी से काफ़ी ज़्यादा बनती है। और इसके साथ जो पाइप आता है वो सिल्वर में हमें मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी आउटडोर की, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो एम्पेयर एवरेज है वो बेहतर रहे, तो करना आपने ये इसका जो आउटडोर है वो आपने कोशिश करनी कि छाँव में लगाना है। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें।